हरियाणा की भाजपा सरकार लोकसभा चोणों तो पहला SYL नहर का पानी अपने सूबे दे विच लियाउण दी राह तैयार कर लेना चाहती है। इस दे लई हरियाणा सरकार अपने गुआंढी सूबे हिमाचल प्रदेश के सहयोग के नाल सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी लियाउण दा बदल तैयार किया। इस बदल से 67 किलोमीटर का रूट बनेगा जिससे नहर बनाउण दे विच 4200 करोड़ रुपए का खर्च आना तजवीजशुदा है। गल सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मुनाफे से अटकी हुई है। नहर के रूट प्लैन तजवीजशुदा खर्च हिमाचल प्रदेश के मुनाफे सने कई मुद्दों से गलबात करने लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की 5 जून को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू नाल मीटिंग होने वाली है। दक्षणी हरियाणा के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी मिलना बेहद जरूरी है। इतों के महेंद्रगढ़ रेवाड़ी और भिवानी जिलों के सिंचाई लिए पानी की बहुत किल्लत है। हालांकि सूबा सरकार ने पुरानिया नहरों के पानी की व्यवस्था करवाई है पर वो काफ़ी नहीं है। पानी ना मिलन कारण हर साल हजारा एकड़ जमीन के फसल नहीं होंगी। इस नाल दक्षणी हरियाणा का किसान माध्य से उत्तरी हरियाणा के किसान की बजाय आर्थिक तौर पर कमजोर रह जाता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 22 अप्रैल जो चंडीगढ़ आए सन उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नाल गलबात हुई थी उदो SYL का पानी बदलवे रस्ते राही हरियाणा के लियाउण के बदलते गलबात शुरू हुई थी जिसन हूँ फैसला कुन मोड़ तक पहुँचाने की जरूरत है। पंजाब के रस्ते हरियाणा के पानी लियाउण ते 157 किलोमीटर की दूरी बनती है। हालांकि पंजाब किसी भी सूरत में हरियाणा पानी नहीं देने की जिद से अड़िया हुआ है अते दलील दे रहा है। पंजाब सरकार ने एक्वायर जमीन है जिहड़ी किसानों वापस कर दी है। इस हालत में हरियाणा सरकार ने पंजाब की बजाय हिमाचल प्रदेश के रस्ते 67 किलोमीटर की नहर बना के पानी लैन का राह तैयार किया है। इसे रूट प्लैन में जरूरत पैण से हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर सकती है। हुण वेखना होगा इस मामले के होर की नवा अपडेट आता है। लैके रूबरू होवांगे वेखते रहो लुधियाना लाइव।